जी बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। यस ठीक है। सर एक इश्यू फिर था। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक्सक्यूज मी सर, जी। सर वो आपको कल भी कहा था कि वो ना LMS पे अपलोड नहीं हो रही असाइनमेंट्स। नहीं, वो असाइनमेंट का जो था उसमें करना है यार, उसमें करके तो देखो आप। वो क्या तीन दिन वो से क्या कर रहा हूँ मैसेज दे रहा है, एरर क्या? सर, एरर दे रहा है अपलोडिंग में। नहीं, क्या क्या कह रहा है? आप टाइटल दे रहे हैं उसका, और सेकंडली आप उसका वो टाइप चेंज कर रहे हैं, PDF वगैरह में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फाइल को। देखो यानी सर, सारा कोड और जो उसकी आउटपुट है उन सब सबको मैंने PDF में कन्वर्ट किया, यानी कि स्क्रीनशॉट्स लेकर उन सबको मैंने PDF में कन्वर्ट करके फाइल्स बनाई हैं, और टाइटल दे के जब फाइल चूज़ करता हूँ, चूज़ होने के बाद अपलोड नहीं होती, वहाँ एरर देना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं ना हुज़ैफ़ा आपको अलाउ करने जा रहा हूँ स्क्रीन। आप ऐसा करो, शेयर करो अपनी स्क्रीन और मुझे दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं, अभी नहीं हुई। हाँ जी, शेयरिंग स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है। हाँ सर ये ठीक है। सर ये PDF में मैंने कन्वर्ट की हुई है, ये देखें, ये हर बार यही इश्यू आ जाते हैं। अपलोडिंग फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा, जो आपने दिया है ना ये टाइटल, इसकी स्पेस जरा खत्म करके देखो। टाइटल बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी, अब दोबारा करना जरा। अच्छा है PDF फाइल ये। जी सर, फिर नहीं हुई। फर्स्ट पेज में देखिए ऊपर वो आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, वो आ रहा है। तो ये अपलोडिंग का इशू है मेन। ये अच्छा, आप ना किसी टाइम पे, हुज़ैफ़ा आप जी सर। किसी और टाइम पे इसको करके देखो, तो इंशाल्लाह सर हो दो जाएगी पिछले ये दो ना। तीन दिन यही काम कर रहा हाँ, हूँ। 2-3 दिन से कर रहे हैं ये। एक्चुअली LMS का इशू आता है, मैंने तभी वो FB का ग्रुप बनाया था कि आप वहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो सर उसके अलावा मैंने फिर दो तीन डिफरेंट ब्राउज़र ओपन करके देखे, मैं शायद इसका ब्राउज़र का इशू ना हो, अच्छा तो ये इन एक यही चीज, इशू आ रहा। जो अटैक वर्क्स है ना LMS, इसका मैं एक चीज बता दूं कि ये क्रोम फ्रेंडली है। बेसिकली क्रोम ब्राउजर पे ये बेहतर वर्क करता है, बाकी ब्राउजर्स के ऊपर इसका इतनी अच्छी वो नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है उस लिहाज से। क्रोम फ्रेंडली है ये। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि जो भी मतलब आपने जब भी ओपन करना है इसको क्रोम पे ओपन करें। ओके सर। स्क्रीन में शेयर करवाने जा रहा हूँ अपनी दोबारा से, और हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और लोग इसको देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो कहता है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है विद अ सीरीज ऑफ कमांड्स। इसमें सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं
within a file, ek file ke andar, that is capable of being executed without being compiled. ये capable होती हैं, यानी ये वाली जो file होती है scripting, ये without compile हुए ये execute हो सकती हैं. स्क्रिप्ट क्या होता है, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है. नीचे उनकी मुख्तलिफ जो हैं वो एग्जांपल्स भी दी गई हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की यहाँ पे. तो जावास्क्रिप्ट चुके हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. तो ये क्या होती है बेसिकली, ये थोड़ा सा आप लोग फ़र्क देखें और मुझे फिर बताएं. आप लोगों के पास 4-5 मिनट हैं, बल्कि उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ें, अपने पॉइंट्स बनाएं अपने पास, बल्कि नोट कर लिया करें, नोटबुक रखें अपने पास और उनको नोट करें अपने पास कि ये बुनियादी फ़र्क है. ये क्वेश्चंस बेसिकली वो पेपर में पूछ लेता है और आपसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ भी पूछे जा सकते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है. या वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. चूँकि हम एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होती है. सर जावास्क्रिप्ट और पीएचपी जैसी स्क्रिप्ट ज़बान को सर कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. और इनका वो तलीफ मरहला नहीं सर जी होता, तलीफ मरहले की ज़रूरत नहीं होती. मतलब कंप्लीशन सर, कंप्लीशन की ज़रूरत नहीं होती. कंपाइलेशन, कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती सर. ये हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं ना, इनकी भी आगे टाइप्स हैं, उसी में से एक टाइप स्क्रिप्टिंग है लैंग्वेज. तो हम जी सर, तो ये बताएं आप लोग सर, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बाकी जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन पीएचपी ये इसकी एग्जांपल्स हैं. और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली होता है ये कि ये जो डाटा को जो मशीन कोड से ट्रांसलेट करवाती है और फिर देन कोड जो है वो रन करता है. सर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये तो ओवरऑल प्रोग्राम राइट करने के लिए होती है. जो उनकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ये स्क्रिप्ट राइट करने के लिए होती है. जैसा कि मुख्तलिफ वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसा कि हम अगर ईमेल है तो उधर स्क्रिप्ट लग जाएगा कि ईमेल रिक्वायर्ड है. अगर हम उसके अंदर पूरा ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे तो वो बता देगा, हमें वार्न कर देगा कि इधर आपने ना इधर इसको आपने पूरा ईमेल एड्रेस लिखे, या पासवर्ड है तो उधर लिखेगा कि इधर पासवर्ड लिखे. ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स आ रहे हैं. ओके अच्छा बताया आप. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर वो कंपाइलिंग के लिए किसी एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर का यूज करती है, जबकि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है. इंटरप्रेटर का यूज करती है. ओके ये ठीक है, ये भी बुनियादी फर्क बता दिया. सर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये अलाउ करती हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की कम्युनिकेशंस को, और जबकि जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे हेल्प करती हैं एक से ज्यादा जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करवाने के लिए विदाउट कंपाइलेशन. ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है जी सर. और बाकी वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाला तो भाई ने बता दिया. हाँ ठीक है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जी सर. कंक्लूड करें तो इसको मैं दोबारा से लार्ज स्क्रीन करता हूँ इसकी. तो एक तो बुनियादी फर्क ये है तो ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज ही है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है. इसमें भी सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं, एक आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं. फर्क यह है कि इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो इंटरप्रेटर के थ्रू हो रही होती है, कंपाइल नहीं होती है. और जबकि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे C++ है, जावा वगैरह है, तो वो कंपाइलर को यूज़ करती हैं और अपना एक ऑब्जेक्ट कोड भी बनाती हैं और इस तरह से सारा कुछ वो यानी हार्डवेयर लेवल पे जाके वर्क कर रही होती हैं, कंपाइल होती हैं बाकायदा से.
कंपाइलेशन जो है वो एग्जीक्यूशन का ही हिस्सा है, यानी जिसमें एक लैंग्वेज जो है वो कंपाइल या इंटरप्रेटर दो चीज़ें होती हैं हर लैंग्वेज के साथ। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट है, इसके साथ इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ हुआ है, ये बेसिकली ट्रांसलेशन का काम करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा वो जीरोज और वंस को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर होते हैं या कंपाइलर होते हैं। हमने जो कोड लिखा होता है, जैसे अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, जो भी हम सीरीज ऑफ कमांड्स लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो वो जब उसको हम लोग रन करेंगे तो रन वो कौन कर रहा है, वो बेसिकली आपका ब्राउजर ही उसको करेगा रन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चूंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है, ये भी बात हो गई कि दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं आगे, एक सर्वर साइड होती हैं और एक क्लाइंट साइड होती है। क्लाइंट साइड वो होती हैं जो कि हमारे अपने ब्राउजर के ऊपर, क्लाइंट हम खुद ही क्लाइंट होते हैं, तो हमारे अपने ब्राउजर ही जिनको एग्जीक्यूट कर देता है वो क्लाइंट साइड है। और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर रन हो रही होती हैं। सर्वर वो होता है जो वेब सर्वर होता है, जहां हमारी वेबसाइट रखी जाती है जाके, यानी वेब होस्ट के ऊपर, तो वहां पे जो लैंग्वेजेस वर्क कर रही होती हैं वहां पे हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। तो जो क्लाइंट के पास आ रही होती हैं वो क्लाइंट साइड होती हैं। तो ये बेसिकली क्लाइंट साइड जितनी भी हैं, ये एक चीज ध्यान में रख लें, ये हमारी इंटरफेस के लिए आमतौर पर यूज होती हैं, उसको सिक्योर करने के लिए। इंटरफेस जो इंटरफेस क्या होती है, जैसे हमारे पास एक वेब पेज ओपन होता है हमारे सामने, तो हम लोग जिसको देख रहे होते हैं वो इंटरफेस होती है। जैसे ये अभी हम जो स्क्रीन देख रहे हैं या आप लोग भी देख रहे हैं, ये एक इंटरफेस है हमारे लिए। या आप लोगों ने MS Teams को ओपन किया हुआ है तो ये इंटरफेस, इसकी इस एप्लीकेशन की इंटरफेस ओपन है, तो उसी में आप लोग इसी के जरिए से, एप्लीकेशन के जरिए से आप लोग मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन पे भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरफेस होती है। तो यानी जो क्लाइंट के पास, जो क्लाइंट जो कुछ देख रहा होता है वो इंटरफेस ही होती है उसके पास। तो इंटरफेस को बनाने के लिए या उसमें उससे मुतल्लिक जो कोड करने के लिए जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड, ये बात ध्यान में रख लें। और एक होती है सर्वर के ऊपर, सर्वर वो होता है जो सर्विसेज दे रहा है, जहां से वेबसाइट एक्चुअली हमारे पास आ रही होती है। बात फॉलो कर रहे हो, यानी वेबसाइट जहां पे हम उसको होस्ट करवाते हैं, हम कोई भी वेबसाइट हम एक्सेस करवाते हैं तो कैसे करते हैं, हम उसका एड्रेस लिखते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और वो वेबसाइट हमारे पास आ जाती है। हमारे पास जो उसका वर्जन आता है वो क्लाइंट का वर्जन होता है, यानी उस वेब पेज का। और एक्चुअली वो वेबसाइट बहुत कुछ, उसकी डेटाबेस, उसकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और बहुत कुछ जो है वो वहाँ पे पड़ा होता है, सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। ये हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्वर को भी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन जो हमारी होती है, कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करवा रहा हूँ, लैंग्वेज है, सबसे पहले तो लैंग्वेज को समझ लेते हैं। लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हम जैसे आम अपनी एक लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग लैंग्वेज के जरिए से अपने ख्यालात को दूसरों तक कम्युनिकेट करवाते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहे हैं और जब आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग सेम लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं, उर्दू या इंग्लिश को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चूंकि आप लोगों ने भी ये दोनों लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, उर्दू भी और इंग्लिश भी, तो आपको समझ आ रही होती हैं बातें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तक कन्वे हो रही होती हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है, आप कहते हैं यस, इट मीन्स कि ये भी एक कम्युनिकेशन होती है, तो ये भी एक लैंग्वेज ही है। यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके ख्याल जानना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्या आप लोगों को समझ आ रही है, आप कहते हैं यस, इट मीन्स के वो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि ठीक है जी, इन तक मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये होती है आम लैंग्वेज।
पहले तो सिंपली इस चीज को समझ लें, यानी एक हमारे पास आम लैंग्वेज होती है, इसी तरह से हर मशीन जो होती है ना उसकी भी एक लैंग्वेज होती है या जुबान होती है। मशीन कोई भी है उसको बेसिकली हदायत चाहिए होती हैं, अगर हम उर्दू में बात करें इंस्ट्रक्शंस, उसको हदायत या इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, कोई भी मशीन है। यानी इंसान जब कोई किसी मशीन को टैकल करता है तो हम लोग उस मशीन की जुबान सीखते हैं। फर्ज करें आपने साइकिल या बाइसिकल जो होती है उसको चलाना सीखना है, तो बेसिकली आप लोग क्या सीख रहे होते हैं, आप उसकी जुबान सीख रहे हैं। उसकी जुबान क्या है, उसमें पैडल होते हैं जिनको घुमाया जाता है तो वो मूव करती है, उसमें ब्रेक्स होती हैं, आप जब उनको प्रेस करते हैं तो वो ब्रेक्स अप्लाई होती हैं, यानी मशीन हमारा कहना मानती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप गाड़ी सीखते हैं, मोटर बाइक सीखते हैं, तो उसमें भी क्या है, वो भी मशीन्स हैं। तो जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं या हम लोग, चूंकि वो मशीन होती है, और मोटर बाइक को चलाना सीखते हैं वो भी मशीन है, तो यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह हर मशीन होती है। इसका मतलब हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसको चलाना सीख रहे हैं, तो हमें उस मशीन की जुबान सीखना पड़ती है। जब हम उसको चलाना सीख रहे हैं, ऑपरेट करना सीख रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसकी जुबान सीख रहे हैं। उसको क्या समझ आता है, उसको समझ आता है एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक्स होती हैं और गियर्स वगैरह होते हैं, और ये चीजें होती हैं, तो आप लोग उसको चलाना सीख जाते हैं। और इसी तरह बड़ी आसान सी एग्जांपल, हमारा ये पंखा घूम रहा है मेरे पास, तो पंखा जो है इसको, ये भी एक मशीन है, हवा देने वाली मशीन है, तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे, एक डिमर लगा होता है, डिमर एक गोल सा बटन होता है हमारे पास आमतौर पर, उससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं पंखे की, यानी मशीन को कंट्रोल कर लेते हैं, हमने कितनी तेज चलाना है या उसको आहिस्ता चलाना है हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे ही हम लोग उसकी जुबान, उसकी जुबान क्या है, वो बटन घुमाना उसकी जुबान है मशीन की, तो वो जैसे हम लोग घुमाते हैं पंखे को वो चीज समझ आती है, वो आहिस्ता होता है या तेज होता है उसके मुताबिक। फॉलो कर रहे हो ना बात? यस सर। यानी जो मशीनें हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, उनको हम लोग ऑपरेट करना सीखते हैं, और उसकी जो ऑपरेट जब हम करना सीख रहे होते हैं, हम उसकी जुबान में बात करते हैं, उस मशीन की जुबान में बात करते हैं, तो वो उसको समझ आती है। अब ये नहीं हम कह सकते कि पंखा है तो हम, वो चूंकि हवा देने वाली मशीन है, तो हम उसको बोलें जी हमें यहाँ से समनावाल ले जाओ, तो ऐसा नहीं वो करेगा। वो जाहिर बात है उसके लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी भी एक मशीन है, तो गाड़ी की अपनी जुबान है। हर जो चीज है, हर जो मशीन है, जो भी इंसान बनाता है, उसकी अपनी अपनी एक, बेटा चुप कर जो, उसकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी जुबान है। इसी तरह से कंप्यूटर जो है ना, ये भी एक मशीन है, कंप्यूटर जो है ये भी एक मशीन है। तो कंप्यूटर जो है ये क्या करता है, हम जब हमने कंप्यूटर से बातचीत करनी है या कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखना है या हमने कंप्यूटर से जो बातचीत करनी है वो समझ लें, तो वो कैसे करेंगे, हम कंप्यूटर की जुबान में बात करेंगे उससे, तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। यानी ये जुबानें बनाई गई हैं जिनकी मशीन को समझ आती है, मशीन उसके मुताबिक हमें आउटपुट देती है। यानी जब हम लोग देखो, माउस है, माउस हमारे पास होता है, मैं जब क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से देखें स्लाइड अगली चेंज हो गई है, इसका मतलब मशीन को कुछ ना कुछ समझ आ रही है, मेरे किसी एक्शन से मशीन को कुछ समझ आ रही है, और मशीन हमें रिस्पांस रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें रिस्पांस दे रही है मशीन। यानी हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे मशीन को ऑपरेट करना है या चलाना है, हम मशीन को हदायत देते हैं। हदायत देने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेजेस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो लैंग्वेज के जरिए से हम लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एप्लीकेशंस बनाते हैं, या हम लोग उसके जरिए से प्रोग्रामिंग, जिसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग की गई है, तो चूंकि वो प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हदायत होती हैं, उसमें हम लोग रिटर्न ये होती हैं इंस्ट्रक्शंस, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम लोग लिख के इसको बताते हैं कीबोर्ड की मदद से कि ये हदायत है, मशीन उसको समझती है और उसके मुताबिक हमें आउटपुट दे देती है। फॉलो कर रहे हो बात?
कंप्यूटर मशीन हमारे लिए क्या काम करती है? कंप्यूटर मशीन हमारे लिए क्या काम करती है जी? पंखा तो हवा देता है, तो कंप्यूटर मशीन क्या काम करती है? सही, हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझती है, फॉलो करती है। बेसिकली ये हमारे लिए डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रही है ये मशीन। यानी जैसे गाड़ी हमें ट्रेवल करवा रही है, पंखा हमें हवा दे रहा है, तो कंप्यूटर मशीन क्या करवा रही है? ये हमारे लिए डाटा प्रोसेसिंग का काम कर रही है। जी सर। इसमें डाटा देते हैं इसको, ये उसको प्रोसेस करवा देते हैं। डाटा को प्रोसेस करवाने के लिए हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हदायत देते हैं, तो ये मशीन उसके मुताबिक वर्क करती है फिर। हाँ जी, ओके, ये चीज समझ आई है आप लोगों को? तो कंप्यूटर भी चूंकि मशीन है, तो ये कौन सा काम करती है हमारे लिए? ये डाटा प्रोसेसिंग का करती है। अब वेबसाइट में भी क्या हो रहा होता है, बेसिकली हमारे पास डाटा आ रहा होता है, तो डाटा जो है वो वेबसाइट जहां पे पड़ी होती है वहां से आ रहा होता है। वेब होस्ट जहां पे हमने उस जहां पे यानी उसके लिए कोई और जुबान होती है, वेब होस्ट की जुबान कोई और होती है। स्क्रिप्टिंग जैसा कि हमारे पास पीएचपी को हम लोग पढ़ेंगे, पाइथन है इसके अलावा, पाइथन पढ़नी तो नहीं है लेकिन ये पीएचपी पर्ल, तो ये तमाम जो हैं ये सर्वर साइड है, ये लिखा भी हुआ है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारे लिए आम तौर पे इसका यूज ज्यादातर जो है इसको बनाया क्लाइंट साइड के लिए गया था, लेकिन इसका कुछ इस्तेमाल जो है वो सर्वर साइड के लिए भी अब हो रहा है। यानी यही लैंग्वेज वहां के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इन्हें काम डिवाइड कर लिए कि ये जो जुबान है ये क्लाइंट साइड के लिए होगी और ये सर्वर साइड के लिए होगी। बात समझ आ रही है? ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं? जहां एक सर्वर पड़ा हुआ और एक क्लाइंट हो, तो कम्युनिकेशन हो रही है दो मशीनों के दरमियान, कम्युनिकेशन हो रही है। एक मशीन से डाटा आ रहा है, जहां से डाटा या सर्विस आ रही है वो सर्वर है मशीन, और जो हासिल कर रहा है उस सर्विस को वो क्लाइंट है। बात फॉलो कर रहे हो बेटे? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे वर्क करने जा रहे हैं, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम ये जुबान सीखेंगे कंप्यूटर की और कंप्यूटर से बातचीत करेंगे, उसको बताएंगे कि ये काम हमारे लिए करो, ये डाटा हम दे रहे हैं इसको प्रोसेस करके दो, तो वो हमें प्रोसेस करके दे देगा। दैट्स इट, ये काम होता है, सिंपल सी यानी ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स आ गई के जो गुड एग्जांपल्स ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड पर्ल, पीएचपी एंड पाइथन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। और क्लाइंट साइड की क्या है? जावास्क्रिप्ट है, जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अ फुल लिस्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी फाउंड थ्रू आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन तो आप लोगों ने देख ली है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं सारा कुछ। अच्छा, तीन चीजें हैं जी, द पावर ऑफ थ्रीज। ये बेसिकली तीनों, दो हम इसमें से कर चुके हैं, HTML और CSS, एंड अदर वन इज जावास्क्रिप्ट। तो तीनों का क्या रोल है हमारे जो वेबसाइट डेवलपमेंट में, तीनों का क्या रोल है? HTML क्या है? ये स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक बिल्डिंग, जैसे हम लोग एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम लोग ईंटें कहते हैं। ईंटें या ब्रिक्स जो होती हैं उनको एक एक ईंट वो रखते हैं, उस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने करनी होती है उसकी फिनिशिंग, उसको प्लास्टर करना है, उसके ऊपर कलर करना है, हमने फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए CSS का यूज होता है, ठीक है। मेकअप करना उसका, तो CSS controls how that page looks, ठीक है। इसकी HTML की मदद से पेज बनाया जाता है और CSS की मदद से उसकी लुक जो है उसको बनाया जाता है, उसकी लुक चेंज की जाती है।
और वो कहता है जावास्क्रिप्ट फिर क्या करती है, वो कहता है जी जावास्क्रिप्ट इज द मैजिक थर्ड एलिमेंट, ये तीसरा मैजिक थर्ड एलिमेंट है। वंस यू हैव क्रिएटेड योर स्ट्रक्चर, आप एक दफा HTML के जरिए से स्ट्रक्चर बना ले, एंड योर एस्थेटिक वाइब CSS, आप उसके जरिए से अपने CSS के जरिए से आप अपने उसको एक खूबसूरती दे दें। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो कहता है जावास्क्रिप्ट मेक्स योर साइट और प्रोजेक्ट डायनामिक, ये लफज है जी, सारा फोकस जावास्क्रिप्ट का इसके ऊपर है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपकी वेबसाइट को डायनामिक कर देती है। जिसको यानी इस लैंग्वेज को जब बनाया गया था तो इसका मतलब ही यही था, 1995 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया जावास्क्रिप्ट को 1995 में। तो आप लोग देखें कि जो ये हमारी HTML है, ये मेरा 1989 में बनी है, और उसके बाद 90s में इंटरनेट का जो है वो शुरू होता है दौर, और आहिस्ता आहिस्ता 3-4-5 साल गुजरते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि बाकायदा से एक लैंग्वेज की जो कि अच्छा डायनामिक का क्या मतलब है, एक होती है चीज़ स्टैटिक, स्टैटिक समझ लो एक मुर्दा चीज़ है, कांस्टेंट स्टैटिक है, स्टिल है वो, उसमें जान नहीं है, बॉडी है जस्ट। तो हमने अभी तक जितना वर्क किया है HTML या CSS में, उसमें क्या होता है, हमारी वेबसाइट तो बनती है लेकिन जो कंटेंट हम देते हैं वो चेंज नहीं होता, जो हमने कंटेंट दिया होता है वो वही रहता है, हमें वही कुछ नजर आता है। जबकि जो डायनामिक का मतलब है कि ये वेबसाइट में जिंदगी डाल देती, जान डाल देती है, यानी हमारी वेबसाइट जिंदा हो जाती है, डायनामिक हो जाती है, उसमें हरकत आती है, डायनामिक्स आ जाती है, उसकी जो वो कह लें स्टैटिक की निस्बत वो डायनामिक हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट का असल मकसद ही क्या है लैंग्वेज का, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करने का, कि ये उसको डायनामिक बना देती है हमारी वेबसाइट को। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। यस सर। जी सर। गुड। अच्छा तो ये चीज भी आप लोगों ने बल्कि देखनी है कि एक स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है। अभी देखें बल्कि इसको अभी सर्च करें, एक स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है, ये दो ही तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो आप लोग अभी देखें इसको, शाबाश। आपके पास 3-5 मिनट हैं जी, 3:51 हो गए मेरे पास, 3:56 पे मैं आप लोगों से पूछूंगा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को डायनामिक बना रहे हैं। तो एक स्टैटिक जो वेबसाइट होती है उसमें और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है? जी सर, ये जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी रहती रहती हैं, जब तक वो डेवलपर उसमें कोई चेंजेस नहीं ना करेगा तो तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो लेकिन जो उनकी डायनामिक वेबसाइट है, ये डायनामिकली चेंज होती रहती है, और ये हमें सर यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे वो पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर वो हम अपना ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं डालेंगे तो वो हमसे इंटरेक्ट करेगी कि आपने इधर अपना पूरा ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं डाला। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। स्टैटिक को बनाना आसान होता है, डायनामिक को मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा स्टैटिक जो होता है ना, यानी कंटेंट होता, कंटेंट ही है बेसिकली, तो उसमें स्टैटिक जो होता है वो आमतौर पे सेम रहता है, कई कई महीने कई कई साल जो हमने डाल दिया वो वही रहेगा। तो जो डायनामिक होता है वो हो सकता है कि हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा हो सकता है, एक घंटे के बाद चेंज हो रहा हो, यानी हम उसमें टाइम का भी लगा देते हैं, और इसके अलावा वैसे भी वो चेंज हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डायनामिक और ये लैंग्वेज की मदद से की जाती हैं, यानी ये सारा कुछ जो कंट्रोल किया जाता है इस तरह का, तो ये डायनामिक उसमें हम यानी जान डाल देते हैं, सिंपल सी बात है, वो जिंदा हो जाती है एक वेबसाइट, इंट्रैक्शन हो सकती है। जैसे इन्होंने अभी ईमेल का बताया
कि यूजर जो है वो यूजर के साथ वेबसाइट या एप्लीकेशन जो होती है वो इंटरेक्ट कर रही होती है, ठीक है, उसको गाइड भी कर रही होती है इवन, तो ये चीजें डायनामिक में आती हैं। अभी करेंगे आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। एडवांटेजेस कुछ लिखे हुए हैं जी, इसमें फायदा क्या है इसका, सर्वर साइड है चूंकि, तो लेस सर्वर इंट्रैक्शन। पहले अगर तो हम लोग ये सारा काम यानी जो जावास्क्रिप्ट में करने के बजाय हम पीएचपी में भी कर सकते हैं, हो सकता है उसमें, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि जो भी इंट्रैक्शन होगी वो पहले जाएगी सर्वर के पास, यानी सर्वर फर्ज करें यहां से पड़ा हुआ है सिंगापुर में पड़ा हुआ है वेबसाइट का सर्वर हमारा वेब होस्ट, तो वहां पे पहले ट्रैफिक जाएगी, उससे वो जवाब लेगा और फिर हमें आके वो जवाब देगा, यानी उसके मुताबिक। फर्ज करें हमने एक ईमेल का, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, हमने पासवर्ड गलत डाल दिया, हम एक ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, हमने अपना यूजर नेम या पासवर्ड हम लोगों ने गलत डाल दिया या कुछ ऐसा किया, या ईमेल एड्रेस बना रहे हैं फर्ज करें, अब हमने करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर वो कहता है जी मिनिमम 8 होने चाहिए, जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक कम से कम कैपिटल अल्फाबेट हो, नंबर होना चाहिए उसमें, कोई स्पेशल सिंबल हो, हम ऐसा नहीं करते, कम कर देते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि वो कहां पे जाएगा, पहले सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको चेक करेगा कि यूजर ने, जो बंदा ईमेल अकाउंट बना रहा है उसने जो चीजें दी हैं, जो पासवर्ड दिया है, क्या वो सही है कि नहीं है। अब वो अगर सही नहीं है तो वो पहले सर्वर के पास गया पूछने के, ये जनाब चेक करो, वो फिर चेक करके उसने हमें आके बताया। लेकिन यहाँ पे फिर हमें क्या फायदा हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का क्या फायदा हो रहा है कि सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, हमने जैसे ही पासवर्ड उसमें एंटर किया उसने फौरन ही चेक कर लेना है, किसने करवाना है, जावास्क्रिप्ट ने चेक करवाना है, क्लाइंट एंड पे ही चेक करवा लेना है उसने कि इसने जो पासवर्ड दिया है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दिया है या नहीं दिया है। फॉलो कर रहे हो बात के नहीं? यस सर, कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होती है ना सर्वर की, वो बहुत कम हो जाती है, और चूंकि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन, एक सर्वर कहीं पड़ा हो सकता है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन सुस्त हो सकता है, उसके मुताबिक बास का सर्वर बिजी भी होता है, तो इसमें जो चीजें होती हैं वो यानी हमारा फिर जो टाइम की बचत हो जाती है इसमें, कि जो काम एक है कि वो सर्वर से पूछने गया कि ये काम ऐसे हो रहा है क्या इसको अलाउ कर दिया जाए, तो उसके बजाय वो क्लाइंट एंड पे ही वो चीजें टैकल होती जाएंगी, और बहुत सारी चीजें इस तरह से टैकल होती हैं क्लाइंट एंड पे ही, तो इन चीजों के लिए फिर जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। हम यूज करेंगे, मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आएगी। तो ये पहला पॉइंट ये है, लेस सर्वर इंट्रैक्शन, इसका फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि सर्वर से कम इंट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, सारा कुछ क्लाइंट एंड पे ही हम लोग हैंडल करी जाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। फिर वो कहता है जी, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अब आप लोगों ने कभी फूड पांडा ऐप की है, आप लोगों ने इंस्टॉल की हुई है फूड पांडा या यूज किया कभी? जी सर, हर दो नंबर चीजें आती, कोई अच्छी नहीं चीज आती। चले वो एक अलग इशू है, या आप लोगों ने ऐसा किया हो कि आपने क्रीम या उबर वगैरह आप लोगों ने यूज की हो या कुछ हिस्सा से हो? जी सर, जी अच्छा। सर राइडली, जी राइडली। अच्छा, उसमें होता ये है कि चूंकि वो भी एप्लीकेशन है, अब उसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज है, कैसे आप लोग फर्ज करें फूड पांडा पे आप कुछ चीजें मेन्यू सिलेक्ट करते हैं कि ये चीज हम ऐड कर रहे हैं, आप जब ऐड कर लेते हैं तो वहां पे ही आपको कैलकुलेशन करके भी बता देता है वो कि इतनी आपकी रकम बनेगी, प्रोसीड करना है इसको ऑर्डर को, यानी ऑर्डर प्रोसीड होने से पहले पहले तक जितना कुछ हो रहा है कैलकुलेशन भी हो रही, सारा कुछ हो रहा है, वो कौन करवा रहा है, वो जावास्क्रिप्ट करवा रही है। आप कैंसिल करवा देते हैं, कोई चीज कम कर रहे हैं, कोई चीज उसमें ऐड करवा रहे हैं, जो आपका कार्ट बनता है, यानी आप लोग अपने कार्ट के अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐड करवा रहे हैं या निकाल रहे हैं,
तो ये सारा कुछ कौन करवा रहा है, ये क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है। तो बजाय इसके कि ये सर्वर के पास जाए, हम एक चीज को ऐड करें, फिर वो सर्वर उस चीज को हैंडल करे, और फिर हम लोग दो चीजें और ऐड करें, फिर सर्वर की इंटरेक्शन हो, और फिर हम कहें जी नहीं ये एक चीज निकाल देते हैं इसमें से, फिर हम उसको बिल चेक करें कि कितना बिल बनेगा, सारा कुछ सर्वर ही ये करके दे, तो सर्वर तो फिर वो बैठ जाएगा। समझ आ रही है ना? यस सर। ये जो चीज होती है, ये सारे का सारा जो फायदा है हमें, फिर वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से होता है। वो कहता है यू कैन डिस्काउंट। जी जी, ये किस जुमड़े में आता है डिस्काउंट जो है ना, वो सर्वर इशू करता है बेसिकली। सर वो डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स होते हैं जिनकी वजह से डिस्काउंट्स मिलता है। वो जो अकाउंट होता है ना, जो नंबर दिया जाता है वाउचर का, वो देता है सर्वर। ठीक है, वो सर्वर के से के एंड से वो चीज की जाती, वो क्लाइंट के एंड से नहीं होती। ठीक है, बात समझ आ रही है? सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आपने वो ऐड करनी होती है, वो जब आप प्रोसीड करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो तब वो चीज अकाउंट होती है कि आपने वाउचर उसमें देना है या नहीं देना या जो भी करना है, तो तब सर्वर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उससे पहले पहले जितना काम हो रहा होता है वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट अपने तौर पे हैंडल कर जाती है। क्लियर? जी सर, क्लियर सर। जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग HTML के अंदर ही हम लोग फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ईमेल एंटर योर ईमेल जहां पे करते हैं, या आप लोग अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, तो हम अगर गलत दें तो वो कहता है जी ये इनवैलिड है, वो खुद ही कह देता है कि इनवैलिड है ये। अब उन्होंने HTML के अंदर ही बना दिया, यानी उसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस में क्या होता है कि उसकी वैलिडिटी में एक यूजर का नेम होता है, एट की सिंबल आती है, और आगे कोई डोमेन आती है .com और उसके बाद वगैरह या कुछ हिस्सा से आता है, तो उस सर्वर का नाम जहां पे वो ईमेल होती है। तो ये चीजें होती। अब HTML जो 5 है उसके अंदर ही उन्होंने ये चीजें दे दी। पहले ये सारा कुछ हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके कोड लगा के हैंडल करना पड़ता था कि यूजर जो है, फर्ज करें उसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, वो वहां पे कोई वैसे ही उठपटांग कोई वैल्यू दे दे और उसको एंटर कर दे तो वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो होती हैं, यानी आम तौर पे जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, तो वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई होती हैं एक एक फील्ड के ऊपर, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लगती है। समझ आ गई है बात? यस सर। वो कहता है जी यू कैन वैलिडेट, वैलिडेशन वही होती है यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट करता है, यानी यूजर इनपुट फॉर्म के में ही करेगा बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर, इससे पहले कि वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाए। दिस सेव सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। तो ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाता है। फिर इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स, हमें फौरी तौर पे वो फीडबैक मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बात की कि आप दो तीन चीजें जब लेंगे परचेज करेंगे तो वो फौरन बिल बना के आपके बता देगा, वैट इतना लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स इतना लगेगा, इसकी फीस इतनी लगेगी, ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की, वो तमाम चीजें उसमें आ जाएंगी, बिल बन के एक आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब आपको फौरन फीडबैक मिल रहा है, या आपने एक गलत इनपुट दे दी है, आपने फॉर्म के अंदर गलत इनपुट दे दी है, वो फौरन आपको बता देगा कि ये रोंग है, लो रोंग है, ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको सही करो। तो आपको फौरी तौर पे जो है वो मिलेगा, फीडबैक मिलता है, तो ये फायदा होता है। अगर वही चीज सर्वर के पास जाए और सर्वर उसको इंटरप्रेट करे और फिर वो आपके पास दोबारा से आए तो आप उसी में फंसे रहेंगे। फिर फॉलो कर रहे हो ना बाप? जी सर। यस। अच्छा, नंबर थर्ड है पॉइंट, इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी। अच्छा, इंटरेक्शन जो होती है वो बढ़ती है यूजर की,
और ظاہری بات ہے کہ انٹریکشن کے لیے میں نے پہلے ہی لفظ یہی بولا آپ لوگوں کو کہ جب ہم لوگ کلائنٹ سائڈ پہ اسکرپٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں اٹ مینس کہ ہم لوگ انٹریکشن بڑھا رہے ہیں. ڈائنامک جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا ہوتا ہی یہی ہے کہ ہماری جس میں انٹریکشن ہو, جس میں یوزر کی انٹریکشن ہو. اسٹیٹک کون سی ہوتی ہے جس میں یوزر کی انٹریکشن ہوتی نہیں ہے. وہ پیچھے سے جو آپ کو ویب سائٹ شو ہوگی, جو کنٹینٹ شو ہو گیا وہ ہو گیا, دیٹس اٹ. تو ڈائنامک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کریں ہم نے ایک ویب سائٹ اوپن کی, اس میں بیک گراؤنڈ اس نے وائٹ دی ہوئی ہے, تو ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یعنی اس طرح کی فیسلٹی دے دی جائے یوزر کو ہی, کلائنٹ کو دے دی جائے کہ آپ کو اچھا یہ اچھی نہیں لگ رہی جو بیک گراؤنڈ ہے, آپ اپنی کوئی بیک گراؤنڈ کلر دے دو. تو وہاں سے ایک کلر کے اوپر ہم ایک کلک کریں, وہی کلر اپلائی ہو کے ہمارے سامنے وہی چیز نظر آنی شروع ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ دیکھیں یہ ونڈوز کی جو بیک گراؤنڈ ہے, یہاں پہ ایک وال پیپر لگا ہوا ہے. جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ لگا لیں, نہیں تو آپ اس کو جا کے پرسنلائز کر سکتے ہیں, آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی بیک گراؤنڈ پہ کیا چیز آپ نے کرنی ہے, کیا پکچر لگانی ہے, کیا کرنا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں. بیٹا کیا کرنا ہے, چلو پہنو. تو یہ بیسیکلی یہ ونڈوز ہمیں انٹریکشن دے رہی ہے, انٹریکٹیو ہے, فالو کر رہے نا. یعنی ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنی ہے, بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے, کلرز چینج کرنے وہ کر سکتے ہیں. آپ ایون اپنے موبائل فون کے اوپر بھی یہ چیزیں کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ نے کوئی تھیم اپلائی کرنا ہے وہ تھیم اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی جو کلاک اوپر نظر آ رہا ہے, گیجٹس ہیں مختلف, ان کو چینج کروا سکتے ہیں. تو یہ اٹ مینس کہ یوزر کو بھی کچھ نہ کچھ ایکسیس دی گئی ہے, حالانکہ وہ تو اینڈرائڈ سسٹم ہے, وہ تو خود بخود ہی ورک کرتا جائے, یا یہاں پہ ونڈوز ہے خود بخود ہی ورک کرتی جائے, لیکن انہوں نے بھی ہم یوزر کو انٹریکشن دی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. یہی انٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو چینج کر لیں. جیسے یہاں پہ یعنی جو کلر ہے اس کو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹ ونڈوز ناؤ وہ کہتا ہے. اس سے پہلے اچھا ایکٹیویشن کی ضرورت پڑے گی, تو ونڈو اپ ڈیٹ کا وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں کلرز وغیرہ, اس کی بیک گراؤنڈ اور سارا کچھ. کچھ نہ کچھ ہمارے پاس اختیارات ہوتے ہیں, ہم آئیکن بنا کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں, ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انٹریکشن ہے, یوزر کی انٹریکشن ہے, یو فالو. اسی طرح سے کوئی ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک ویب سائٹ کے طور پہ ہی آ رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنے جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ یقیناً بنوائے ہوں گے, چونکہ میرے پاس ڈیٹا بھی آیا ہے, آلموسٹ سبھی کے آئی ڈی کارڈز بنے ہوئے آپ لوگوں میں. تو لوگوں نے کیا کیا, بیٹے مائک آف کریں. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ ناظرہ کے آفس میں گئے, وہاں پہ انہوں نے آپ سے ڈیٹا لیا, فیڈ کیا ڈیٹا کو, کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے فیڈ کرتے رہے, آپ کی پکچر کھینچی. اب وہ جتنا ان کی اپلیکیشن جو اوپن ہے نا, جہاں پہ وہ ڈیٹا آپ کی انٹری کروا رہے ہیں, وہ اپلیکیشن یہاں پہ نہیں ہے, ان کے اپنے کمپیوٹر پہ نہیں ہے وہ, بلکہ اس کی کمیونیکیشن کہاں سے ہو رہی ہے, اسلام آباد سے ہو رہی ہے. ناظرہ کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد میں, وہاں پہ ان کے مین سرور پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے. فیڈ یہاں سے ہو رہا ہے, فیصل آباد سے فرض کریں ہو رہا ہے, تو جا وہاں پہ رہے. اور جب وہ اس کو اپنی اپلیکیشن کو آن بھی کرتے ہیں, تو جیسے ہم لوگ ایک اپنا ای میل ایڈریس کھولتے, تو ہمارا فرض کریں ہم نے جی میل ڈاٹ کام اوپن کیا ہے. اب اگر جی میل کا اکاؤنٹ پڑا, اس کا سرور پڑا ہوا ہے امریکہ میں, یا ہم نے فیس بک کو ایکسیس کیا ہے, تو ہماری تو ہمارے سامنے تو فوراً ہماری چیزیں آ گئیں, لیکن ہمارا جو ان کا سرور جو ہے فیس بک کا, وہ سارا فرض کریں امریکہ میں پڑا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے سرور کے تھرو کیا جا رہا ہے. اور ہم لوگ جیسے ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, یوزر نیم پاسورڈ دے کے, ہمارا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ہماری پوسٹیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں,
वो कहाँ पे पड़ी हुई है चीजें, वो उनके सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, फॉलो कर रहे हो ना बात। तो इसी तरह से नादरा के अपने सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, उन सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के कैसे कर रहे हैं, यहाँ से इंटरेक्शन हो रही है, तो जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो इंटरेक्ट करने की सहूलत दे रही है। ऐसे ही वेबसाइट्स होती हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू अपना डाटा कोई भी एंटर कर देते हैं, जैसे ऑनलाइन आप लोगों ने एडमिशन लिया, इसी की बात कर लेते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन, तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट है आपको वो ऑनलाइन इंटरेक्शन दे रही है, तो जितनी इंटरेक्शन होती है वो वहां पे जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। समझ आ रही है बात? जी सर। यस सर। अच्छा, फिर लास्ट वन है जी रिचर इंटरफेसेस। तो जाहिर बात है कि एक अच्छी हमें इंटरफेस मिलेगी, इसका यही मतलब है। तो ये चार पॉइंट्स यहाँ पे बड़े स्ट्रोंग हैं जो कि ये मैंने बताए हैं आप लोगों को, यानी एडवांटेजेस हैं इसके जावास्क्रिप्ट के। सिंटैक्स है इसका, हम लोग कैसे इसको ऐड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आपने बेसिकली चूंकि हमने पढ़ा कि हमारा जो लोकल ब्राउजर है वही इसका इंटरप्रेटर है, वही इसको एग्जीक्यूट कर देता है हमारे कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को, तीनों को करता है, यानी HTML को भी करता है बराह रास्त, और समझता ही नहीं तीनों लैंग्वेजेस को है ब्राउजर, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट, इन तीनों चीज़ों को ही समझता है। अब हमने कोड ऐड करवाना है तो कैसे ऐड करवाएंगे, उसके लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ता है उसका। ये स्क्रिप्ट का टैग होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, और यहाँ पे जो डॉट्स दिए हुए हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट कोड, तो इस तरह से हम लोग देंगे। फिर इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो कि स्क्रिप्ट के अंदर दिए जाते हैं, एक लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर आमतौर पर हम लोग जावास्क्रिप्ट देते हैं, उसको बताते हैं, और उसकी टाइप होती है, टाइप क्या होती है, टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट, ये सारा होता है। तो ये सिलसिला है, अभी हम लोग करके देखते हैं इसको। अपना फर्स्ट हम लोग सबलाइन में बनाएंगे प्रोग्राम, और ये हमने प्रोग्राम एक क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट इन लैंग्वेज है, तो ये चार हो गए हमारे पास, बूटस्ट्रैप है और जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम रखेंगे। प्रोग्राम का नेम है जी हमारे पास फर्स्ट रख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट है ये हमारे पास, ठीक, फर्स्ट डॉट एचटीएम, आप लोगों ने वही रखना है, एचटीएमएल ही इसकी एक्सटेंशन रखनी है, क्योंकि एचटीएम जिसकी एक्सटेंशन होगी उसको ब्राउजर बराह रास्त पड़ेगा, इस चीज को ये बात ध्यान में रखें। तो फर्स्ट डॉट एचटीएम हमने रखा, इसको सेव करवा दिया। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया, तो यहाँ हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट, ये हो गया इसका टाइटल। इसी हेड के अंदर ही आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रिप्ट को ऐड करवाना है। आप लोग नीचे भी करवा सकते हैं, बॉडी में भी करवा सकते हैं। आमतौर पे जो कोड यूज किया जाता है वो बॉडी के अंदर ही यूज किया जाता है इसका, आप लोग बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज आ गई, टाइप टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट, उसने खुद ही टाइप लिख दी है। दो चीजें हैं, मैंने बोला आप लोगों को कि एक लैंग्वेज आती है और एक, ये देखें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक लैंग्वेज है और एक टाइप है। ये है जी इसकी लैंग्वेज में भी हम लोग डबल कोट्स में जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो इसी तरह से आ गई। तो ये मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ जी लैंग्वेज भी, आप नहीं भी देंगे तो ये वर्क करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आ चुका है स्क्रिप्ट, तो ये वर्क करेगा। अच्छा, अब हमने यहाँ इसकी बजाय मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ
बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने बॉडी में इसको यूज करना है। बॉडी में पहले मैं चीज एक दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट, दिस इज सिंपल HTML टेक्स्ट, और एक BR का मैं टैग लगा रहा हूँ। अभी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्रिप्ट के टैग लगाए हैं। एक लाइन लिखी है मैंने, और लाइन जो है वो HTML के अंदर लिखी है। इसको हम लोग जनाब करवाते हैं एग्जीक्यूट, यानी ओपन करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास है जी, ये किसमें चला गया, इसमें तो नहीं आ गया, हाँ इसमें आ गया। इसको करवाते हैं कट, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करवा रहा हूँ। ये आ गई हमारी फर्स्ट के नाम की। अच्छा, अब दोबारा से इसको, चूंकि लोकेशन चेंज हो गई है, तो इसको करेंगे यस, इसको मैं नो करवा रहा हूँ, और वहां से इसको लोकेशन चूंकि चेंज कर ली है हमने, तो उस लिहाज से इसको ओपन करवाते हैं। यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है, वैसे सेव नहीं करवाया था, दोबारा से कर लेते हैं HTML, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, दिस इज सिंपल HTML टेक्स्ट लाइन, और एक BR। ये लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बॉडी के अंदर हमने सिंपल कोई भी लाइन लिख दे, आप पी के अंदर भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर, आप हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं, H1 H2 वगैरह में, तो वहां पे लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट का टैग दिया, तो स्क्रिप्ट का मतलब ही यही है कि ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है ये जावास्क्रिप्ट है। टाइप यहाँ पे आ गई, दैट्स इट, इनफ। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कोड देना है। इसमें अब कोई चीज डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, एक फंक्शन है बेसिकली बिल्ट इन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पैरेंथेसिस आप लोगों ने देने, और पैरेंथेसिस के बाद आप लोगों ने इसमें डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगी। This is, this line is written through JavaScript. और यहाँ पे आप ये डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने डिस्प्ले करवाने के लिए किया, ये लैंग्वेज की स्टेटमेंट है जो कि किसी चीज को डिस्प्ले करवाने के काम आती है। बेटे उधर चले जाओ, जाओ शोर ना करो। इसको सेव करवाते हैं, अब देखिएगा नीचे लाइन शो हो गई है, एक जावास्क्रिप्ट से है, एक सिंपल हमारी कहां से हुई है, HTML से हुई। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये है यानी हमारे स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे, आप कहीं पे भी बॉडी के अंदर इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये सारा कुछ लिखा जाता है। अच्छा, एक और हो सकता है कि हम इसको एक नई फाइल बनाएं, कंट्रोल एन मैं कर लेता हूँ, नई फाइल बना ली, इसको सेव करवा लेते हैं, इसका नाम रखते हैं जी, फर्स्ट करें
जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं script.js. क्या रखा? script.js. ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS फाइल्स बनाई थी, तो ये एक्सटर्नल हम जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हैं. इसको सेव करवाते हैं जी. अब यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखना है. क्या लिखेंगे? हमने यही उठाना है, इधर से कट करते हैं और इधर लाके आप लोगों ने इसको इसी तरह से लिख देना है और इसको सेव करवा देते हैं. अब इस फाइल को हमने लिंक अप करना है उसके साथ. पहले तो हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अब ये प्रोग्राम रह गया तो यही आउटपुट रहनी चाहिए. इसकी सेव नहीं हुआ मेरा ख्याल है. तो ये एक सिंपल लाइन, सिंगल लाइन रह गई. अब हमने उस फाइल को जो script.js है, इसको हम लोगों ने एक्सेस करवाना, तो कैसे करवाएंगे? इसको एक्सेस करवाने के लिए हमें हेड के अंदर यहाँ पे लिंक का टैग लगाना पड़ेगा. फॉलो कर रहे हो? लिंक में क्या लगा? रेल लगा है स्टाइल शीट, और टाइप उसने दे दी, लेकिन हम लोगों ने सॉरी ये नहीं है बल्कि स्क्रिप्ट देंगे यहाँ पे. स्क्रिप्ट आएगा आई थिंक सो. मैं चेक कर लेता हूँ इसके लिए क्या चीज आएगी. क्योंकि यहां पे दे रहा है, ये CSS को दे रहा है, स्टाइल शीट आ रही है, तो स्क्रिप्ट हम मेरा कल देंगे. मैं स्क्रिप्ट को लगा के देखता हूँ. जावास्क्रिप्ट और ये लेकिन नहीं, थोड़ा जहन से निकल गया. मैं चेक कर लेता हूँ. लिंक फॉर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल. स्क्रिप्ट ही है जी, सोर्स आएगा स्क्रिप्ट के अंदर ही, सोर्स आएगा. यस, SRC करना पड़ेगा. वही मेरे जहन में आ रहा था कि स्क्रिप्ट ही आता है. ये जावास्क्रिप्ट लिखा रहने दें और SRC कर दें, सोर्स. और यहाँ पे हम चूंकि वहां पे रखी हुई है फाइल, फाइल का नाम था हमारा script.js, तो इसको हम एक्सेस करवा रहे हैं. अब चेक करते हैं इसको. Okay, जहां पे उसको लगाना है यानी ऊपर हम लोग उसको दे रहे, तो इसकी बजाय हमें इसको बॉडी में लगाना पड़ेगा. जहां पे लगाएंगे उधर ये वर्क करेगा जी. आप सिंपल सोर्स भी दे सकते हैं. करवा लेते यानी हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, उसके अंदर जो कोड है उसको एक्सेस करवा रहे हैं इस जगह पे, सेकंड लाइन पे. तो अब इसको क्या हो गया, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के स्पेलिंग सही है? स्क्रिप्ट, यस सर, ठीक है, ठीक है, ऊपर सही है. script.js और दोनों की लोकेशन भी ठीक है.
सही है, script.js जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई है हमारे पास। अच्छा इसको फिर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज तो आ चुकी है स्क्रिप्ट, इसको खत्म करके देखते हैं। सिर्फ हम लोग एक लाइन लिख के देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यस अब आ गई है, उसने बल्कि तीन दफा उसको कर दिया। तो ये चूंकि यहां भी हमने लगाई थी ऊपर, इसको मैं खत्म कर देता हूं, इस वजह से तीन दफा आ रही है। आप ऊपर अगर यूज करेंगे हेड में तो वो टॉप ऑफ बॉडी आएगा, यानी जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी, और बॉडी में जहां पे उसको यूज कर लेंगे वहां पे उसका जो आउटपुट है वो शो होगी। ये देख लें आप, ठीक है बेटा, समझ आई है? जी सर, सभी को समझ आई है ये? जी सर, जी सर। अच्छा अब एक और काम करते हैं जी, इसी को हम लोग यहां पे देखिएगा, मैं डबल कोट्स में एक और काम करने जा रहा हूं। H2 टू फर्ज करें मैं दे देता हूं, कहां पे दिया? डबल कोट्स में, और इधर आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना H2 को। अब हमारी आउटपुट देखिएगा, कुछ समझ आई बात? यानी आपने जो जावास्क्रिप्ट जो करना है और HTML को, बेटा ये पंखा चलाओ, और थ्रू HTML जो करेंगे, यानी हम टैग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ही हम लोग अप्लाई करेंगे, आपने कोई ब्रेक देनी है तो डबल कोट्स के अंदर ही ब्रेक देंगे। ओके फर्स्ट करो, यहाँ पे मैं BR लिख देता हूँ, तो ये ब्रेक कर देगा उसको, ठीक है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये डायनामिक है, हमें डायनामिक देता है, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं। बल्कि ये कोड मैं उठा लेता हूं यहां से ताकि सामने रहे हमारे पास, इसको मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूं, यस, और इसको यहां से खत्म करवा रहा हूं जी। स्क्रिप्ट, अब मैं दोबारा से स्क्रिप्ट देने जा रहा हूं, तो यहां पे हम लोग ये लाइन ऐड करवा देंगे, ये वाली लाइन ऐड हो चुकी है। अच्छा हम यहां पे कुछ और लिखते हैं जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सर जावास्क्रिप्ट के कोड में पैरेंथेसिस और ये डबल कोट्स में देना है सारा कोड? जी डबल कोट्स। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं करने जा रहा हूँ एक और चीज, अगर हमने नंबर वैल्यूज को कैलकुलेट करवाना हो, फर्ज करें हम यहाँ पे दे देते हैं 8 जमा 5, तो हमने कहा 8 जमा 5 को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, और उससे पहले यहाँ पे एक ब्रेक भी दे दो, यानी हम एक ब्रेक भी देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, या ऊपर भी आप लोग दे सकते हैं। फॉलो कर रहे बात? एक ब्रेक हम इन्वॉल्व करवा रहे हैं, दो ब्रेक्स देना चाहें तो दो ब्रेक्स, इस तरह से उसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि 8 और 5 को जमा करके दो, यहां पे अगर लिखेंगे यही चीज, यानी हम कहते हैं 8 जमा 5, ये मैंने यहां भी लिख दी है, और ये कर दिया जी ब्रेक, देखिएगा क्या बनता है। ऊपर वो 8 जमा 5 ही शो कर रहा है स्टैटिक, HTML में जो कुछ लिखा जाता है स्टैटिक, नीचे वो क्या दे रहा है दो ब्रेक्स देने के बाद? कुछ समझ आ रही बेटे बात? जी सर। हमने तो 13 कहीं पे भी नहीं लिखा है सर, वो आपने जो लिखा है उसने वो एडिशन करके उसका आउटपुट शो करवाई है। कॉन्सेप्ट को समझें जरा, हमने 13 तो नहीं है ना पेज में कहीं पे ऐड किया? जी सर, ये तो डायनामिक नेचर है जावास्क्रिप्ट, ये ही डायनामिक, ये ही डायनामिक्स। जी सर। समझ आ रही है ना बात?
13 कहीं पे नहीं लिखा लेकिन उसने शो कर दिया, यानी अगर हम वैसे लिखेंगे HTML में तो उसको एज इट इज शो कर रहा है 8+5, लेकिन यहाँ पे तो वो हमें कैलकुलेट करवा के दे रहा है। नंबर टाइप का है ना डाटा, तो नंबर टाइप का जो डाटा होता है वो कैलकुलेट होता है, तो ये चीजें हो रही है। ठीक है जी सर। अच्छा कल एक और तरीके से हम लोग करेंगे, फिलहाल इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही हमने किया है। इसमें और भी फंक्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी जो होती है, हम लोग आईडी के थ्रू करवाएंगे, उसकी आईडी को जो HTML आईडी होती है उसके थ्रू इसको एक्सेस करवाएंगे, यानी आपको एक और तरह से ये कोड हम को भी करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आसान है निस्बतन, तो मैंने इसी से इसको स्टार्ट किया। क्लियर जी सर। तो ना सिर्फ ये होगा बल्कि हम लोग इनपुट भी करवा सकते हैं, बराह रास्त हम लोग इनपुट करवा सकते हैं डाटा को, जैसा कि हम लोग फॉर्म के जरिए से डाटा इनपुट करवाएं। और जैसे ये अभी तो इधर मैंने ये लिख दिया 8+5, तो हम ऐसा भी इंशाल्लाह करेंगे कि पेज ओपन है, आपने एक फील्ड के अंदर 8 लिखा, दूसरी में 5 लिख दिया, तो नीचे आंसर वो दे देगा कि 13 आ गया इसका आंसर। यू फॉलो, इस टाइप का भी हम लोग वर्क करते हैं जी सर। यही डायनामिक्स हैं बेसिकली, तो ये चीजें हैं जी। इंटरेस्टिंग होगा सर ये जी, इंशाल्लाह काफी है इतना, या मजीद देख लें। कल इसको बेसिकली हम लोग देखेंगे कोई वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट अभी मैंने यूज किया है, इसमें दोनों कांस्टेंट्स ही यूज किए हैं आज कोड के अंदर, ये भी कांस्टेंट्स होते हैं डबल कोट्स के अंदर जो होता है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं और ये भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कल हम लोग वेरिएबल्स पे वर्क करेंगे और देखेंगे ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लैंग्वेज के हवाले से, और फिर इन चीजों को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, इंशाल्लाह। तो अभी आप लोग, मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, इसको देखें।